इधर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का सातवां दिन है। ज्ञानवापी में आज भी एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। एएसआई के अधिकारी ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। दोनों पक्ष के लोग भी इस सर्वे में मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे का आज सातवां दिन है। उसी के साथ साथ एएसआई अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए, जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए तमाम सर्वे को अंजाम दे रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एएसआई का सर्वे लगातार जारी है। और इसी बीच आपको बता दें, ये भी कहा गया है, इस सर्वे के दौरान कई प्रतीक चिन्ह जो हैं वह मिले हैं, हिंदू चिन्ह मिले हैं। गुम्मत की भी यहाँ पर जो कलाकृति है उसका भी सर्वे किया गया, तहखानों का सर्वे किया गया, सीढ़ियों का सर्वे किया गया, हर एक बारीकी से निरीक्षण किया गया है। तो फिलहाल चाक चौबंद इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था रखी है। मदन मोहन हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। मदन, देखिए सातवां दिन है आज, और इसी के साथ आज क्या कुछ खास हो सकता है सर्वे में? बताना चाहूंगा, ज्ञानवापी परिसर में जो है आज एएसआई के सर्वे का सातवां दिन है, जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद है। ऐसे कर देखा जाए तो आठवां दिन है। तो बात किया जाए कि एएसआई सर्वे जो है लगातार उनका सर्वे जो जारी है, कल जो है पश्चिमी दीवारों के साथ साथ गुम्बद के नीचे की जो है वो उसको जो है कहा जाए तो स्थिति में मैपिंग कराई गई है, उसकी फोटोग्राफी कराई गई है, वीडियोग्राफी कराई गई है। तमाम जो कहा जाए तो परिसर के अंदर में अलग अलग जगहों पे जो है उसकी मैपिंग करा करके उसका जो है उसकी जो है ना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई है। तहखानों की जो है कहा जाए तो मैपिंग कराई गई है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो एएसआई जो है लगातार जो है अपने बढ़ते गई है। और आज सातवां दिन है भाई, अब जो है एएसआई की टीम जो है ज्ञानवापी परिसर में पहुंच चुकी है। कुछ ही देर के बाद जो है सर्वे का काम स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए तो कल जो है जिला प्रशासन ने जो है हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार के दोनों जो वादी पक्ष हैं या प्रतिवादी पक्ष हैं दोनों को साफ हिदायत दे दी है कि आप जो है एएसआई के पास नहीं जाएंगे। यानी कि एएसआई के साथ पास जो है अब वादी या प्रतिवादी पक्ष के लोग जो है मौजूद नहीं रहेंगे। एएसआई जो है खुद जो है अकेले उसका जो है वो सर्वे करेगा। बिल्कुल, इसकी वजह क्या है? हाँ बिल्कुल मदन, जिस तरीके से कहा गया है कि जो वादी पक्ष है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, एएसआई के पास ना जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोपनीयता रखनी थी, गोपनीयता जो है वो लीक होती है, शायद यही वजह रही हो। हाँ बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाता है कि वादी पक्षकार के लगातार जो है अधिवक्ता आ रहे थे और आकर के जो है अंदर की जो चीजों को जो है वो आकर के वो जो बता रहे थे, उसके बाद जो है उस अंजुमन जामिया में इसके लिए जिला जज की कोर्ट में जो है एक याचिका डाली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि उनके वादी पक्ष के लोग जो है जा रहे हैं और मीडिया के समक्ष जो है अपना बयान कर रहे हैं, तो इससे जो है सौहार्द जो है बिगड़ सकता है। तो जिसको लेकर के जिला जज ने जो है कल ये आदेश दिया कि कोई भी जो है वो नहीं जाएगा। साथ ही साथ मीडिया को भी जो है स्पॉट पे जाने के लिए मना किया गया है। हालांकि मीडिया जो है पहले से ही जो है स्पॉट पे नहीं है, स्पॉट से काफी दूर है, लगभग 400 मीटर की दूरी पर मीडिया जो है मौजूद है। लेकिन साफ साफ हिदायत दी गई है कि अब दोनों पक्ष जो है कहा जाए तो परिसर के अंदर में नहीं जाएंगे, वो बाहर ही रहेंगे। तो जिस तरह से अगर तमाम जो बातें की जा रही थी, जिस तरह से पहले भी मैंने बताया कि जब कमिश्नर सर्वे हुआ था तो कमिश्नर सर्वे के दौरान जो है कई ऐसे साक्ष्य निकल के आए थे जिसकी वीडियोग्राफी वीडियो जो है कहा जाए तो मार्केट में जो है वो वायरल भी हुए थे तमाम मीडिया के। हिंदू पक्ष ने कई बड़े दावे किए थे, जिस तरीके से हमने भी देखा कि विष्णु जैन जो कि वकील हिंदू पक्ष के, उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया था। इस बीच खबर ये भी आई थी, मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि यदि ये सब बंद नहीं होता, मीडिया भी खबरें दिखाना बंद नहीं करती और इस तरह की खबरें लीक नहीं होती, तो सर्वे का बहिष्कार किया जाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं मदन कि इस सर्वे से कहीं ना कहीं बाहर खड़े होने के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन उस सर्वे के भीतर उनके साथ में शामिल नहीं हो सकते, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। अब बिल्कुल ये बात है कि जिस तरह से कब मैंने पहले भी बताया कि जो बातें जो बाहर आ रही थी, जो एएसआई जो सर्वे कर रहा था और वहां से जाकर के जो वादी पक्ष के लोग थे और आकर के जिस तरह से लोग वो बता रहे थे, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो अंजुमन जामिया ने बताया था कि इससे जो है आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है। तो जिसको लेकर के न्यायालय ने जो है साफ इसके सख्त आदेश दिया और वहीं कल जिला प्रशासन बैठ कर करके दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों पक्षों के लोगों को कहा कि अब आप अंदर नहीं जाएंगे, जो भी चीजें हैं आप बाहर से ही पत्थर उसमें देखेंगे और मीडिया के समक्ष या किसी भी सार्वजनिक उसमें जो है आप अपने भजन को नहीं
तब नहीं करेंगे। तो इस तरह से कहा जाए तो कल आपने देखा भी होगा कि जब अधिवक्ता जब निकल करके आए, उनसे जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने सीधे कहा कि एसआई सर्वे कर रहा है, एसआई जो भी रिपोर्ट है सबमिट करेगा वो न्यायालय के समक्ष सबमिट करेगा, इसके बारे में हम ज्यादा विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि बिना खुदाई के और बिना आप भवन को नुकसान पहुंचाए सर्वे करें, और एएसआई ने इस बात की पुष्टि भी की थी, कहा था कि बिना हम अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे और इस पूरे सर्वे को अंजाम दिया जाएगा। इस बीच हमने कहीं ना कहीं ये भी सुना कि जो हिंदू पक्ष है वो लगातार ये भी कह रहा है कि यदि आप हथौड़ी नहीं चलाएंगे, आप फावड़ा नहीं चलाएंगे, आप खुदाई नहीं करेंगे तो सर्वे कैसे समझ में आएगा, कैसे पता चलेगा कि अंदर जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं हिंदू धार्मिक चिन्ह है, वही मिट्टी के भीतर या फिर इस भवन के भीतर दबी हुई है, तो यहाँ पर भी सवाल खड़े हुए थे। जिस तरह से कहा जाए तो कि हाईकोर्ट ने साफ ये आदेश दिया था कि किसी भी प्रकार का आप जो है वहां पर तोड़फोड़ या खुदाई का काम नहीं करेंगे। हाँ। एसआई ने इसके लिए एग्रीमेंट एक उसमें दिया था कि मैं बिना खुदाई किए जो है मेरे पास पैसे आप ठीक है कहा जाए तो मशीनें हैं जिससे मैं जो है हम आज उस तकनीक से तक पहुंच चुके हैं जो कि हम नीचे के जो है 10 सेंटीमीटर से लेकर के जो है 15 मीटर तक यानी कि जीपीआर जो की बात हो रही थी उसके माध्यम से जो है हम पूरे चीजों को जो है पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये आधुनिक तकनीक है जो है जिसको एएसआई जो है यूज करेगी। चलिए मदन, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। जो बड़ी अपडेट वो ये है कि साफ तौर पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोग इस सर्वे को दूर से देख पाएंगे, आप सामने नहीं जा पाएंगे।